नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। हेल्थ टिप्स हिंदी में के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, रात को सोते वक्त भुनी हुई दो लौंग खाने से जो होगा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। वर्तमान समय में प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम प्रत्येक सांस के साथ अपने शरीर के अंदर कई प्रकार के कीटाणुओं का सेवन करते हैं। वह अधिक भाग दौड़ के कारण हम अपने शरीर पर वैसे भी कम ही ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य काफी कमजोर रहता है या हमें कई प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं, जिसके लिए हम कई प्रकार की दवाइयों का सेवन भी करते हैं, जिससे हमें आर्थिक नुकसान काफी होता है। लौंग तो आप सभी ने देखी होगी या आप उसका सेवन भी करते होंगे। ज्यादातर आप इसका सेवन सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं या फिर छोटी मोटी बीमारियों में भी इसका सेवन करते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, और अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपको काफी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप रात को सोते वक्त दो या तीन लौंग अंगारों पर कर अर्थात भून कर खाएं तो इससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा और बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर से हट जाएंगी। इसको खाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको असली लौंग का ही सेवन करना है, यानी कि तेल निकली हुई लौंग का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आजकल बाजार में तेल निकली हुई लौंग भी मिलती है। इसकी पहचान ये है कि अगर लौंग पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं तो आप समझ लें कि इस लौंग से तेल निकला हुआ है, आप उसे ना करें। और अगर लौंग में झुर्रियां नहीं है तो आप उस लौंग को खरीद सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि लौंग कौन कौन से कमाल कर सकती है रात को लौंग खाने से चमत्कारी फायदों के बारे में। श्वसन संक्रमण से छुटकारा। लौंग एक प्राकृतिक दर्द निवारक है और साथ ही ये रोगाणुओं से भी बचाता है। भुना हुआ लौंग गले की खराश से छुटकारा पाने में मदद करता है। दांत दर्द से आराम। आप कपास के एक टुकड़े की सहायता से थोड़ा सा लौंग का तेल या भुना हुआ लौंग का चूर्ण पीड़ादायक दांत या अपने मसूड़ों पर लगाकर दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये संक्रमण को भी कम करता है। सूजन कम करे। पीड़ादायक मांसपेशियों की मालिश के लिए लौंग तेल का उपयोग करे, इससे आपको जल्द ही आराम मिलेगा। घाव का इलाज। लौंग बहुत तेज होता है। घाव के इलाज के लिए जैतून के तेल में थोड़ा सा लौंग का तेल मिलाकर घाव पर लगाएं। ये घाव को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। पाचन में सुधार। भुना हुआ लौंग उल्टी दस्त, गैस और बदहजमी और पेट के दर्द को कम करने में सहायता करता है। बस थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि लौंग बहुत तेज होता है, इसका ज्यादा सेवन आपको परेशान भी कर सकता है। खांसी जुकाम। अगर आप इस प्रकार सेवन करते हैं तो आपको कभी भी खांसी जुकाम जैसी समस्या नहीं होगी। साथ ही अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपके शरीर को गर्म करता है, जिससे आपकी सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है। एसिडिटी या पेट संबंधी कोई भी बीमारी। अगर आपको एसिडिटी या कोई भी पेट की संबंधित बीमारी है तो लौंग उसका पूर्णतः सफाया कर देता है, तो इस प्रकार लौंग का सेवन करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पेट दर्द। अगर आपके पेट में दर्द रहता है या फिर पेट में कीड़ों की शिकायत है तो भी आपको लौंग का सेवन करना चाहिए। मसूड़ों के अंदर दर्द। अगर किसी व्यक्ति को मसूड़ों के अंदर दर्द रहता है तो प्रतिदिन सुबह उठने के पश्चात दो या तीन लौंग का सेवन काफी लाभदायक होता है। रक्त को साफ। प्रतिदिन दो लौंग भूनकर खाने से आपके शरीर में बह रहा रक्त साफ हो जाता है, जिससे आपके शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।